हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। सिर्फ एक कप सूजी और 3 आलुओं से हम इस रेसिपी को बना के रेडी करेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चटपटी सी फीलिंग रहती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच सौंफ लिया है, आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, एक साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम एकदम दरदरा सा कूट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर देना है वही मसाला जो हमने अभी कूट के रखा हुआ था। 2 चम्मच भर के ऐड कर देंगे और इसे भी हम आधे मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो धनिया का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो ये मसाला हमारा पक चुका है। इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। तो मिर्च हमारी पक चुकी है। इसमें ऐड करेंगे फ्रोज़न मटर आधी कटोरी और इसे भी हल्का सा पका लेंगे। दोनों चीज़ हमारे अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिसे मैंने हाथों से मैश कर लिया था। साथ ही में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही में ऐड करेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया था, और अच्छी तरह से एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। आलू पहले से उबले हुए हैं तो 3 से 4 मिनट में हमारी ये स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसी तरह से चलाते हुए पका लीजिएगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप ठंडा करने के लिए साइड में निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल चटपटी से हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है। ठंडा कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे मैंने वही पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। आप कोई भी कटोरी या कप कुछ भी सेट कर लीजिए जिससे आप पानी ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कप पानी लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और आधा चम्मच नमक ऐड किया है। और अब इस पानी में अच्छी तरह से हम बॉइल को आने देंगे। तो ये देखिए पानी में अच्छा था उबाल आ चुका है। अब गैस को कम कर लेंगे और इसमें उसी कप से जिस कप से आपने पानी लिया था 1 कप सूजी ऐड कर लेंगे और फटाफट से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। जल्दी से मिक्स करते जाइए कि वरना इसमें लम्स भी पड़ने लग जाते हैं। तो इसी तरह से मिक्स करते हुए जब तक आपको मिक्स करना है जब तक ये पैन सूजी छोड़ ना दे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे मिक्स कर लिया था और ये इस तरीके से आपका डोसा बन जाएगा। और अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये हमारी सूजी अच्छी तरह से पक चुकी है भाप में। और अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब इसे 10 मिनट के लिए हमें ठंडा होने देना है। जैसे ये हल्की पे ठंडी हो जाएगी हमें हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेना है और इस सूजी को हमें जैसे आप आटे का डो लगाते हैं वैसे ही हमें इस तरीके से मसलते हुए इसका एक डो रेडी कर लेना है। तो इस तरह से मसलते जाइएगा आप। 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे आपका ये डोसा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने डो रेडी कर लिया है। अब छोटा सा बॉल ले लेंगे। ये देखिए जितनी बड़ी आप रोटी बनाते हैं आटा लेते हैं उतना ही बड़ा लेंगे। और यहाँ पे मैंने चकले पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लिया है ताकि हमारी जो सूजी हम बेलेंगे वो नीचे चिपके नहीं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। अब इस डो को ले लेंगे और इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा दबा लेंगे और आपको बेलन पे भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को लगा लेना है ताकि बेलन पे भी ये सूजी चिपके नहीं। तो चकले बेलन दोनों पे आपको हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल लगा लेना है और इस सूजी को हमें इस तरीके से बेलना है। तो हम इसको उठाएंगे नहीं, हम चकले को घुमाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। इसे हमें एक मीडियम सी रोटी जैसा बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे।
और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको बेल लेना है और इसके चारों तरफ से आपको इसके जो कोने हैं कट कर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। और हम इस तरफ से भी कट करेंगे अभी। तो देखिए चारों कोनों मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं और अब इसकी हम चार शीट बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे बीच में से कट करना है और एक इस तरफ से कट करना है। तो ये हमारी चार शीट बन के रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ले ली थी और बीच में मैंने आलू की स्टफिंग को इस तरीके से गोल करके रख लिया था। और ये देखिए चारों जो कोने हैं इसके हमें आपस में बीच में से चिपकाते जाना है, और जो बीच में से खुला हुआ है साइड साइड से उसे भी हमें इस तरह से चिपकाते जाना है। आप मेरा हाथ फॉलो करते रहिए। ये देखिए इस तरह से आपको बना के रेडी कर लेने हैं और कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, आटे या मैदे का घोल, क्योंकि ये सूजी हमारी इसी तरह से वो एकदम परफेक्ट चिपक जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इसी तरह से हम सारे बनाते जाएंगे। एक शीट लेना है, बीच में आलू की स्टफिंग रखनी है और जो चारों कोने हैं उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। जो भी साइड साइड से खुले हुए हैं इस तरह से आपको दबाते जाना है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। इसी तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए सारे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा मैदा, साथ ही में ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, एक चम्मच बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल लीजिएगा वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके एक इसकी मीडियम थिक सी स्लरी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए हमने मीडियम थिक सी स्लरी रेडी कर ली है। अभी थोड़ी सी मुझे हल्की सी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। तो परफेक्ट हमारी स्लरी बन के रेडी है। और अब जो सूजी के हमने स्नैक्स बना के रेडी किए थे वो इसमें डिप करेंगे, और डिप करते हुए एक एक करके हम ऑयल में ऐड करते जाएंगे। तो ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने रखा हुआ था। ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और इसमें उसमें डिप करते हुए स्लरी में एक एक करके इसमें ऐड करते जाना है जितने इसमें आ सकें, और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसे पकने देंगे, बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इसे अलटते पलटते हमें गोल्डन क्रिस्पी कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे क्रिस्पी कर लिया है। इतना कलर आने तक आपको इसे पकाना है और ये देखने में कितने यार टेस्टी लग रहे हैं। तो सारे हम ऑयल से इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जितने भी हमें बनाने हैं इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी सूजी स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो देखने में कितने यार टेस्टी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यार टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।